हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम गेम थ्योरी का न्यू टॉपिक करेंगे, ग्राफिकल मेथड फॉर 2×n एंड m×2 गेम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें क्वेश्चन हमेशा आता है और वो 8 मार्क्स का होता है। सो फर्स्ट हम करते हैं ग्राफिकल मेथड ऑफ 2×n का। इसमें क्या होता है, हमारी जो रो है वो फिक्स होती है 2×2 की होती है, और जो हमारा एन है वो या तो 3×3, जिसमें कॉलम्स क्या होंगी 3 होंगी, 4 हो सकती हैं, 5 हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। ऐसी m×2 में क्या होगा, कॉलम हमारी फिक्स होगी कि हमारे पास 2 ही कॉलम होगी, बट रो फिक्स नहीं है कि 1, 2, 3, 4 कुछ भी आ सकती हैं। बट इसमें क्या है, हमारी जो रो है वो फिक्स्ड है 1, 2, हमारी कॉलम फिक्स नहीं है, b1, b2, b3, b4, b5 कुछ भी आ सकता है। तब हमने ये रूल अप्लाई करना है। जब हमारे पास 2×2 की मैट्रिक्स थी तब हमने मिक्स स्ट्रेटेजी यूज की थी, जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की थी। तो इसका रूल क्या है, इसको एक बार अपनी बुक्स पे नोट कर लेना है आपने। इसको हम ऑड्स मेथड भी बोलते हैं। आपको पेपर में ये भी आ सकता है, फाइंड ऑड्स मेथड, तो इसको भी आपने बुक पे नोट कर लेना है। सो फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये कोई भी मैट्रिक्स है 2×3 की, देन इसको हमने, इसमें और कोई भी सैडल पॉइंट नहीं आएगा क्योंकि हमें दिख रहा है कि कोई भी सैडल पॉइंट हमारा नहीं आएगा। उसके बाद इसको ब्रेक कर लेना है हमने। पहले तो ये दोनों ले लेनी है, फिर सेकंड में ये दोनों, फिर उसके बाद थर्ड हमारी ऑप्शन क्या आ रही है, ये और ये वाली। उसके बाद हमने क्या करना है, सबकी वैल्यू ऑफ द गेम निकाल लेनी है, क्योंकि ये सारी क्या आ गई, 2×2 की आ गई। इसका मतलब हम मिक्स स्ट्रेटेजी को यूज करके वैल्यू ऑफ द गेम और स्ट्रेटेजी फाइंड कर लेंगे। जिसकी सबसे ज्यादा वैल्यू ऑफ द गेम आएगी वही हमारी आंसर होगा। तो इसको अपनी बुक पे आपने नोट कर लेना है। सो एग्जांपल 8 को हम स्टार्ट करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। तो इसको हम ग्राफिकली मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। प्लेयर ए प्लेयर बी गिवन है, फिर से हमें 2×3 की मैट्रिक्स गिवन है। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि हमने ग्राफिकल मेथड लगाना है। कौन सा लगाना है, जिसमें 2 हमारा फिक्स्ड है और हमारा कॉलम फिक्स्ड नहीं है। यहां से सबसे पहले क्या करना है कि सैडल पॉइंट निकालना है। यहां पे देखो दोनों इक्वल नहीं आ रहे, तो कोई भी सैडल पॉइंट नहीं आया है। सबसे फर्स्ट स्टेप होता है कि सैडल पॉइंट निकालना है हमने। सो एग्जांपल को हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपने नोट कर लेना है कि अगर हमारे पास 2 रोज होगी और अपने, तो हमने कौन सा रूल अप्लाई करना है, मैक्सिमिन प्रिंसिपल लगाना है। ये कौन सा होता है, ये हम होते हैं। मिनीमैक्स प्रिंसिपल सेकेंड पर्सन होता है, वो मेथड लगाना है। और लोअर इनवेल्प पे हमने अपर पॉइंट देखना है, इसको अपनी कॉपी पे नोट कर लेना है। नाउ अब हम क्या करेंगे, सैडल पॉइंट निकालेंगे। ये आपका होमवर्क है। सो यहां तक आपका सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद हम ग्राफिकल मेथड को स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या लिखेंगे, वी सॉल्व द गेम बाय ग्राफिकल मेथड। लेट कर्ली स्ट्रेटेजी ए आर x1 x2, वेयर x1 + x2 = 1, x2 = 1 - x1, वेयर x1 x2 लाइज बिटवीन 0 to 1, दिस इज अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिटी। तो ये हमने प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग ये ले लिया। उसके बाद प्लेयर ए ले लिया, a1 a2 b1 b2 b3, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। a1 के लिए ले लिया x1 और b1 के लिए ले लिया x2। ये हमारी क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू है बी की फॉर चॉइसिंग स्ट्रेटेजी b1 b2 b3। इसको हम कैसे लिखते होते हैं, 3x1 - x2, फिर b2 की स्ट्रेटेजी क्या होगी, -3x1 + x2। ऐसी b3 की स्ट्रेटेजी 4x1 - 3x2। इसको आपने अपनी कॉपी पे करके देखना है, क्योंकि अगर आप ऐसी समझोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। यहां से आपने जो क्वेश्चंस हैं उनकी रिटर्न प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ आएंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या तो आपको 16 मार्क्स में आ सकते हैं या 8 मार्क्स में। सो यहां से हमने x2 की वैल्यू फाइंड कर ली थी 1 - x1, तो यहां पे सिंपली पुट कर दी। सॉल्व करके क्या आ गया, 4x1 - 1, तो x1 को 0 और x1 को 1 पुट किया, तो हमारे पास पॉइंट कौन सा आ गया, -1, 3। यहां पे पुट करके देखो, पहले x1 को 0 पुट किया, तो 0 - 1 इज -1,
फिर x1 को 1 पुट किया तो 4 माइनस 1 इज 3, तो b1 का पॉइंट हमारा बन गया माइनस 1, 3। ऐसे b2 का पॉइंट फाइंड कर लिया 1 माइनस 3 एंड b3 का पॉइंट फाइंड कर लिया, वो क्या आ रहा है हमारा 3 माइनस 3, 1। ये हमने 0, 1 अज्यूम किए हैं। उसके बाद हमने डायग्राम बनानी है, उसके लिए पहले तो सेंटर में लिख देना 0, 0, टू लाइंस लगा के 0, 0 लिख देना है, फिर 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसी -1, -2, -3, -4, -5 ऐसी इधर लिख दोगे। उसके बाद बी वन पॉइंट हमारा है -1, 3, तो -1 हमारा ये है और 3 कहाँ है ये, तो इनको मैच कर दिया। ऐसे बी टू का पॉइंट हमारा कौन सा है 1, -3, तो 1 हमारा ये रहा, -3 ये रहा, इनको मैच कर दिया। बी थ्री का पॉइंट है -3, 4, -3 और 4, तो इन दोनों को मैच कर दिया। उसके बाद हमने रूल क्या लिखा था, लोअर इनवेल्प पे अपर पॉइंट देखना है, तो लोअर इनवेल्प हमारा ये है, इसका अपर पॉइंट कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है, ये हमारा बन गया एच, तो इसका मतलब किसको मैच करके आया, ये बी टू और बी थ्री के लिए, तो ये बी टू बी थ्री हमारा क्या बन गया, ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी बन गई। फॉर दी ग्राफ वी हैव दी हाईएस्ट पॉइंट एच ऑफ द लोअर इनवेल्प इज द इंटरसेक्शन ऑफ बी टू बी थ्री, सो प्लेयर बी यूज दी स्ट्रेटेजी बी टू बी थ्री, तो यहां पे हमने बी टू बी थ्री ले ली और जो बी वन है उसको रिमूव कर दिया। अब हमारे पास 2x2 की मैट्रिक्स आ गई, फिर से हमने मिक्स स्ट्रेटेजी यूज कर लेनी है। ऐसे हमारा पी वन पी टू है, एस बी क्यू क्यू टू क्यू थ्री है, क्योंकि यहाँ पे पी वन पी टू के लिए, क्योंकि यहाँ पे ए वन ए टू है, और क्यू टू क्यू थ्री क्यों लिया, क्योंकि बी टू बी थ्री है, तो इसी हिसाब से आपने पी वन पी टू और क्यू टू क्यू थ्री लिख लेना है। देन फिर से हमने फॉर्मूला लगा देना है जैसे हमने प्रीवियस में लगाया था, उसकी वैल्यू फाइंड कर लेनी है, 4/11, 7/11, ऐसे ही 7/11, 4/11, तो हमारी ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी क्या आ गई फॉर प्लेयर ए के लिए, एस ए इज इक्वल टू 11/4/11 और एस बी इज सॉरी 4/11, 7/11 और द ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी फॉर प्लेयर बी इज एस बी, दैट मीन्स बी वन के लिए हमारा आंसर 0 आ रहा है, बी टू के लिए 7/11 और बी थ्री के लिए 4/11। ऐसी थर्ड क्या होता है हमारी वैल्यू ऑफ द गेम, वैल्यू ऑफ द गेम कैसे निकालते हैं, पहले ऊपर डिटर्मिनेंट कर देते हैं, फिर इन दोनों का प्लस माइनस इन दोनों का प्लस, तो 3, 3 इज 9, 4, 1 इज 4, -3, -3 इज -6, 4+1 इज 5, -, -+, तो -11 आ गया, 9 - 4 इज 5, तो हमारी वैल्यू ऑफ द गेम आ गई -5/11। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको 16 मार्क्स या 8 मार्क्स में आ सकता है। थैंक यू।